नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कॉस्मोस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पूनम जी की। और पूनम जी को आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ों से जानते भी होंगे, क्योंकि इनका जो फेमस चैनल है पू इन कोरिया, उसको अगर आप देखते हैं, इनकी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, तो आपको इनके बारे में एक अच्छी खासी जानकारी तो होगी ही। थोड़ा मैं भी बता दूं आपको कि ये कोरिया में रहती हैं, एंड कोरिया में वहाँ पे रहती हैं तो ये कोरियन ब्लॉग वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती हैं। जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जो भी कल्चर वहाँ पे है, जो भी कल्चरल चीज़ें होती हैं, जो भी लाइफ स्टाइल होती है कोरिया की, वो अपने यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड करती हैं, दिखाती हैं ब्लॉग वीडियोज़ में या ब्लॉग वीडियोज़ के जरिए अपने चैनल पर ये अपलोड करती हैं। पू इन कोरिया जो इनका चैनल है, उसी पर ये वीडियोज़ को अपने अपलोड करती हैं। तो आज हम बात करेंगे पूनम जी के चैनल पू इन कोरिया की, और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता भी थी इनके बारे में। तो और चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप इनके चैनल को देख सकते हैं, इनके चैनल की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकी यूट्यूब इनकम की। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, इस वीडियो में या इन वीडियोस में हम लोग बात करते हैं क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स की अर्निंग इनकम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं पूनम जी के चैनल पू इन कोरिया की यूट्यूब अर्निंग की, और जानेंगे कितने डॉलर्स या भारतीय रुपये पैसे ये अपने यूट्यूब चैनल से अर्न कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, मैंने एक अलग सा इंटरफेस या डैशबोर्ड यहाँ पे खोल रखा है, और उस इंटरफेस या डैशबोर्ड में आपको उनके चैनल की जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे वो डेटाबेस रिलेटेड डिटेल्स हों, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड डिटेल्स हों, चाहे कोई और इन्फॉर्मेशन डिटेल जो भी आप यूट्यूब पर नहीं देख पाते हैं जल्दी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इनके टोटल अपलोड्स आप देख सकते हैं, टोटल सब्सक्राइबर देख सकते हैं, टोटल वीडियोज़ के व्यूज़ कितने आ रखे हैं, और किस कैटेगरी वगैरह में कब इन्होंने चैनल ओपन करा है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, डेटा स्टैटिस्टिक्स या इन्फॉर्मेशन में, जानकारी वगैरह में, तो अभी देख लीजिए। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की। इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्निंग इनकम, तो चलिए उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता दूँ, तीन इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो आपको किसी भी यूट्यूबर या क्रिएटर की अर्निंग इनकम देखने से या जानने से पहले जान लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो एक वेबसाइट बेस्ड डाटा है। आप खुद देख सकते हैं कि वेबसाइट बेस्ड डाटा है। दूसरी चीज़, जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ, वो हर मंथ के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट आती है। डिपेंड करता है वीडियो के व्यूज़ पर, एड्स पर, वॉच टाइम वगैरह पर, और बहुत सारे चीज़ों पर। तो बहुत सारे क्रिटेरिया होते हैं जिससे अर्निंग ऊपर नीचे होती रहती है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट ये कि जो इनकम या अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो प्रीवियस मंथ की है। पिछले महीने की जो उनकी इनकम अर्निंग आई है, तो वही मैं आपको दिखा या बता रहा हूँ। तो चलिए, अब और बातें नहीं करते हैं, डायरेक्टली इनकी इनकम अर्निंग हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4.8K डॉलर्स, लगभग 5,000 डॉलर के हिसाब से मान लीजिए 5K डॉलर्स। अभी कोरिया में रहती हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोरियन करेंसी काफ़ी मज़बूत होती है। मतलब मज़बूत आप कह सकते हैं, इन द सेंस उस तरह नहीं होती, लेकिन आप देखेंगे तो वहाँ पर आप थोड़े पैसों में काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं कोरियन रुपीज़ में। कोरियन रुपीज़ नहीं कहेंगे, जो भी यहाँ की करेंसी होगी, आई डोंट नो, मुझे ठीक से याद नहीं। तो कोरियन करेंसी इंडिया से थोड़ा सा मजबूत होती है, दैट्स वाई 4.8K डॉलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इन कोरियन रुपीज़ को डॉलर्स को इनटू रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस चीज़ से आप समझ सकें कि ये कितने होते हैं भारतीय रुपये में 4.8K डॉलर्स। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे गूगल का इंटरफेस खोल लिया है, और गूगल के इंटरफेस में 4.8K डॉलर्स। तो ये अभी अमेरिकन डॉलर्स है, मैं आपको समझा दूँ, पहले अमेरिकन डॉलर्स है। और ये यहाँ पे इतने डॉलर्स आपको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल्स के अर्निंग डालता हूँ, वहाँ पे आपको इतने डॉलर्स क्यों नहीं देखने को मिलते, क्योंकि डिपेंड करता है कंट्री से कौन से हैं। जैसे अब ये कोरिया से रह के कोरिया में व्लॉग वीडियोज़ बनाती हैं, तो उस वजह से इनकी जो अर्निंग है डॉलर्स में वो ज़्यादा है, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में आप हैं। क्योंकि इंडिया में आपको थोड़े डॉलर्स में भी आपकी चीज़ें डेली लाइफस्टाइल हो जाएगा, डेली चीज़ें हो जाएंगी, और अगर बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हो तो काफ़ी डॉलर्स आपको लगते हैं, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल पूरा चेंज होता है, सोचे उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं। वो सब चीज़ें आप अगर थोड़ा सा अगर देखते होंगे फॉरेन चीज़ें या फॉरेन चीज़ों में रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा। बहरहाल, आप देख सकते हैं 4.8K कितने होते हैं, हो जाते हैं लगभग 3,83,000 के हिसाब से एक महीने के। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।